जी सर बताइए कल की क्या व्यवस्था है। ये सर्वप्रथम तो मैं होली की शुभकामनाएं देता हूँ सभी शहरवासियों को, और आशा करता हूँ कि कल जो गैर का आयोजन है वो बड़े शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से निकलेगा। आज जाब्ते का जो है वो डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, करीब 400 के आसपास कांस्टेबल्स हैं और 8 DYSP हैं और इंस्पेक्टर्स हैं काफ़ी तादाद के अंदर, 2 कंपनी RAC की हैं, इस हिसाब से फोर्स काफ़ी है हमारे पास। सभी वर्गों से और सभी लोगों से व्यक्तिगत तौर पर सभी से संपर्क किया जा चुका है और आज फ्लैग मार्च भी किया गया है श्रीमान SP साहब द्वारा पुलिस जाब्ते को और प्रशासन के अधिकारियों को कर्मचारियों को एड्रेस किया गया है। कोशिश यही है कि कानून व्यवस्था किसी भी तरीके से भंग नहीं हो और किसी भी प्रकार से कोई न्यूसेंस करने वाले आदमियों को बख्शा नहीं जाएगा। टाइम जो है वो सभी के लिए निर्धारित कर दिया गया है, जो परसरामपुरी हवेली वाली जो गली है महेंद्रपान के पास से, वहाँ 11:15 तक जो लोग एंटर कर जाएंगे उनको एंट्री दी जाएगी, अदरवाइज उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। आगे सभी लोगों से गुलाल और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं हैं वो मस्जिद के पास उधर ले जाने के लिए बिल्कुल मनाही है। समय समय पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को मॉनिटर किया जाएगा, गाइड किया जाएगा। जनता से मैं अपील करता हूँ कि वे सुबह जल्दी से जल्दी 8 बजे के आसपास, 8:30 बजे के आसपास अपनी जो चंग और डब की मंडलियां हैं उन लोगों को अग्रसर करें। समाज का जो अग्रणी सभ्य और जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो गैर के अंदर शामिल हो तथा एक मैसेज दें कि फतेह नवलगढ़ की जो गैर है वो शांति, सौहार्द और प्रेम की एक मिसाल है, जो इतिहास है उसको भूलें और एक नया इतिहास बनाएं। धन्यवाद। अश्लील दमाल को लेकर भी काफ़ी आपकी ओर से प्रयास किए गए, तो इस बारे में क्या विशेष निगरानी रहेगी? इस बार वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और अगर आपत्तिजनक चीज़ें होगी, महिलाओं का असिस्ट प्रतिरूपण होगा उन लोगों किया जाएगा, तो उन लोगों के खिलाफ IPC की धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।